हाय एवरीवन दिस इज पारुल और आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल पर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेंशन किया है यूज टाइम वेल समय को अच्छे तरीके से एकदम सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए यूज करना चाहिए एक्चुअली मैं अभी जस्ट अभी गोर गोपाल दास जी की एक वीडियो देख हटी हूँ उनकी कुछ बहुत प्यारी लाइन्स जो आप तक भी मैं पहुंचाना चाहती हूँ इसीलिए ये सेशन लेकर आई तो वीडियो में वो कहते हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया में आता है पैदा होता है उसके पास क्या होता है कुछ नहीं नाम भी नहीं होता बच्चा पैदा हुआ उसका नाम बाद में रखा जाता है जब वो पैदा हुआ इस दुनिया में आया उसके पास में क्या था सिर्फ एक चीज सांसें श्वास ब्रेथ और वही इंसान जब इस दुनिया से गया उसके पास क्या था सांसें नहीं थी सिर्फ एक नाम था वो पैदा हुआ उसके पास में थी सिर्फ सांसें, जब इस दुनिया से गया तो सांसें नहीं थी सिर्फ नाम था तो ये सांस से लेकर उसकी जब मृत्यु हुई उसका जो नाम था सांस से लेकर नाम तक का जो सफर है उसको हम बोलते हैं जिंदगी और इसी जिंदगी को हमें जीना है बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी दुनिया में कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना यार तो आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं स्ट्रेस है आप सभी बच्चों को तो बस मैंने कहा यार पढ़ाई हम करते रहते हैं कुछ 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 अच्छा सा लेकर आऊ आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाते हैं ना यार आसपास में इस जिंदगी को अच्छे से जीना है कंट्रीब्यूट करना है अपना जितना भी हम कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए गिले शिकवों में कुछ नहीं रखा है आसपास में सब कुछ इसने मुझे ये कह दिया इसने मुझे ये कह दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया भूल जाओ आप सभी ने वर्ड सुना है सेवा सुनते हैं ना हम सेवा की उस बंदे ने फलाने फलाने ने इतनी डोनेशन दी उसने इतनी सेवा की वो उधर उस मंदिर में जाकर उसने सबको अपने हाथ से भोजन परोसा खिलाया है ना तो मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि सेवा इज नॉट पर्टिकुलर किसी जगह पर जाकर ही परफॉर्म की जा सकती है सेवा आप जहां पर भी खड़े हैं जहां भी आप हैं वहां पर आप सेवा कर सकते हो और एक्चुअली में जिंदगी में यही वो चीज है जो हमको करनी चाहिए प्राइमेली जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमको याद करेंगे हमारे औहदे की वजह से हमारे पैसे की वजह से हमारे पास में कितने घर हैं कितने बंगले हैं कितने गाड़ियां है, इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कैसा था यार बहुत अच्छा इंसान था जो इस दुनिया से गया है। यार वो अच्छा नहीं था यार उसने तो बहुत लोगों के साथ धोखा किया है ये बोलते हैं तो अब वही तुमको इस पूरी जिंदगी में ना तय करना है कि जब जो तुम्हारा नाम होगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा ही बोले तो मैं बस यही चाहती हूँ कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में घर पे लड़कियां लड़के आप सभी जब पढ़ रहे होते हैं तो रात को जब मम्मी थकी हुई होती है पूरा दिन भर काम करके अगर थोड़ी सी एक दस मिनट निकाल के हम उनकी कुछ हेल्प कर देंगे ना वो बहुत खुश हो जाएंगी पूरे दिन भर के जब थके हुए पापा घर आते हैं खाना खाने के लिए अगर एक बेटा उनको अपने हाथ से ग्लास देगा ना पानी का तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे ये वही बस छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जिनसे पॉजिटिविटी फैलती है और जिनसे आप अपना लव प्यार एक्सप्रेस कर सकते हो उनके लिए और वो जब हमारे आसपास के लोग खुश होते हैं ना हम लोग नेचुरली अपने आप खुश हो जाते हैं तो इसीलिए कोशिश करनी है कि खुद भी खुश रहें अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और नेगेटिविटी से खुद को बचा कर रखें बाकी सब चीजें चलती रहेंगी तुम्हें जो बनना है लाइफ में जो करना है वो तो ठीक है वो तो तुम मेहनत करोगे उसके लिए लेकिन उसके लिए उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे इंसान बनना है इस जिंदगी को कैसे जीना है बहुत अच्छे से जीना है कि कोई जब हम जाएं इस दुनिया से तो लोग बोले कि यार ये बंदा अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जीकर गया है इसने लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं एक इंसान उसके कामों से जाना जाता है उसके पास में क्या था इस चीज से नहीं जाना जाता है ठीक है सिर्फ वही जो नेगेटिव लोग होते हैं ना वही इस तरीके से बातें करते हैं कि उसके पास में इतना था ये था वो था ये था कुछ मैटर नहीं करता ये सब चीजें

तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच पाओगे मेहनत कर पाओगे और ज्यादा मेहनत कर पाओगे तो इसीलिए आसपास के माहौल को अच्छा रखिए बस यही कहना चाहती हूँ वीडियो आई थी सामने उसमें से कुछ लगा फ्रूटफुल सोचा कि आप तक पहुंचाना चाहिए पहुंचा दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी वन बाय